मैम मैम वेट मैम, सबसे पहले आपके अटायर के बारे में बताइए, कौन सा आउटफिट के बारे में आपको बताइए, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वेल, अगर मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं तो ये आउटफिट मेरी मम्मा ने पूरा ऐसा डिज़ाइन करके के साथ किया है, सो ये पूरी मम्मा की मेहनत है। ये सब मम्मा की मेहनत है, तो मेरी अभी डिज़ाइनर तो मम्मा ही है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अगर आप बता सके तो। हाँ जी, वेल हाँ जी, इट्स अ वेरी थ्रिलिंग मूवी और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कॉमेडी भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, तो ये तो आपको देखते देखते ही पता चलेगा। एंड सेकंड है मैदान, जो बोनी कपूर प्रोडक्शंस एंड उसमें आई प्ले अजय सर डॉटर, एंड यू विल सून सी इट ऑन थिएटर्स। ओके, टेलीविजन आपने काफ़ी किया है, लेकिन गाना करने का कोई इरादा है कुछ अगर आप बता सके, एक सॉन्ग? वेल, मैं ऑलरेडी एक गाना अपना ला चुकी हूँ मेरे सपने, विच इज ओके। हाल ही में अगर हम बात करें, सिम्बुल का नया सॉन्ग आ रहा है, क्या आप फॉलो करते हैं सिम्बुल तौकीर खान को, फरमान खान को, क्या इन दोनों को आप फॉलो करते हैं? वेल, मैं सिम्बुल जी को जानती हूँ, मैं उनको इनफैक्ट बहुत पहले से जानती हूँ, बिग बॉस से भी पहले से, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हर, शी इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड ऑल द लव शी इज गेटिंग। ओके, अगर उनका नया सॉन्ग आने वाला है, क्या कहना चाहिए? सुमित भी अगर आप जानते होंगे उनको, सुमित और दोनों का सॉन्ग आना, क्या बेस्ट विशेस आप देना चाहेंगे? वेल, आई विश ऑल द लक टू द सॉन्ग, वो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड है, तो ऑफ कोर्स जितना प्यार उन्हें मिलता है और भी बहुत सारा प्यार मिले, एंड ऑल द बेस्ट के लिए। सिम्बुल ने बिग बॉस में काफ़ी धमाल मचाया था, तो आप कितना अब जाना पसंद करेगी बिग बॉस के अंदर सिम्बुल के दौरान? जितना बिग बॉस देखना हम सबको पसंद है, उतनी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी लेकिन नहीं बैठे लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी शो के, बिग बॉस शायद आप नहीं करना चाहे, खतरे की खिलाड़ी करना पसंद करेगी, कौन ऐसे स्टंट है जो आप डरते हो करने से, आप मतलब थोड़ा फियर फील कर रहा हूँ? मैं इस बात को डर रही हूँ कि अगर कुछ सालों बाद मैं खतरों की लाइफ में जाऊँ और उनको यहाँ से मेरी वीकनेस पता लग जाए तो स्यापा हो जाएगा। हाँ। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जिस स्नेक्स से बहुत डर लगता है, बाकी ऐसी चीज़ें लाइक आई एम नॉट, मुझे हाइट से डर नहीं लगता, मुझे पानी से डर नहीं लगता, मुझे स्विमिंग आती है, डांसिंग सब कुछ आता है, लेकिन ये स्नेक्स से मुझे बहुत डर लगता है। सिम्बुल से कुछ राय लेना चाहिए अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आता तो कैसा करना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी किया है बिग बॉस, काफ़ी खेला है उन्हें बिग बॉस, क्या कहना चाहोगे इसको लेके, कभी आप लेंगे राय उनसे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इमोशनल भी रही, आपने देखा होगा उनकी जर्नी। आई थिंक अगर मैं उनसे मिलूँ, क्योंकि मैं उन्हें जितना जानती हूँ, वो भी मुझे यही कहेंगी कि ज़्यादा सोचने नहीं, बल्कि मैं अपनी जो मेरी पर्सनैलिटी है वही लेके जाऊँ, क्योंकि बिग बॉस में अपनी पर्सनैलिटी को ही सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। आई थिंक, पर ज़रूर, सिम्बुल ऑलरेडी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।